हेलो दोस्तों, वेलकम टू राशि जट टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आईक्यू ऑप्शन के बारे में बताया आप लोगों को, आप लोगों ने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आप लोगों ने यहां से $10,000 फ्री में कैसे लेने हैं और आपने ले लिए, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन्हें लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो क्लास वन देख सकते हैं कि आईक्यू ऑप्शन को कैसे क्रिएट करना है और कैसे अकाउंट ओपन करना है और कैसे ये आप लोगों ने अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में भी ऐप कैसे डाउनलोड करना है वो पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने ट्रेड कैसे करनी है। तो ट्रेड करने का तरीका कार इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही प्रेस करते हैं बेल आइकन को, क्योंकि आप लोगों को पता है क्वालिटी वीडियो के साथ प्रूफ भी देते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ से देख लेना है कि ये हायर पे जा रहा है, ये हायर ये लोअर देख लेना है कि आप लोगों ने हायर लगाना है या लोअर लगाना है। तो ये लाइंस जो जा रही हैं, ये लाइंस सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है चैट टाइप पे, यहाँ पे कैंडल पे क्लिक करके ये कैंडल बनाना है। ये अभी इतने कैंडल बन चुके हैं, ठीक है गाइस। यहाँ से आप जूम आउट भी कर सकते हो, ये माउस से भी आप घुमा के ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ये जूम इन आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने गाइस 5 सेकंड से 1 मिनट पे ले आनी है। तो 1 मिनट पे लाने के मकसद ये है कि ये थोड़ी देर बाद ऊपर नीचे जाए। अभी मार्केट डाउन जा रही है, आप लोग देख सकते हैं ये नीचे को जा रही है मार्केट। तो आप लोगों को मैं अभी दिखा देता हूँ, यहाँ से आप लोगों ने करना क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। यहाँ से आप लोगों ने गाइस ये यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आप लोगों ने RSI लाजमी ले लेना है। RSI तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दूं RSI क्या चीज़ है। ये RSI है, आप लोगों ने जैसे लेंगे ये नीचे दो लाइन आ जाएगी। यहाँ पे ये मैंने लिया, यहाँ से अप्लाई किया, ये दो लाइन आ गई। तो इन दो लाइन का मकसद क्या है, ये जो ग्रीन वाली है ऊपर वाली आप लोग देख सकते हैं और ये रेड वाली, जब रेड पे ये टच करेगी, ये सेंटर वाली लाइन जो ये रेड पे टच करेगी तो ये डाउन जा रही मार्केट। अभी ये ग्रीन पे टच करेगी तो आप लोगों ने देखना है मार्केट अप जा रही है। तो अब हम लोगों ने ये इस पे काम करना है, कैसे करना है, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद हम यहाँ पे इसके मार्केट के हवाले से हम देख लेते हैं। तो मार्केट सबसे पहले यहाँ पे थी, यहाँ डाउन हुई सबसे पहले, तो यहाँ पर एक लगा दी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे मार्केट अप हुई थी, एक यहाँ पे लगा देते हैं, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन एक ली मैंने। अभी आप लोग देखते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने लगाई थी, ये दो ऑलरेडी पहले लगी हुई थी मेरी और दूसरी टाइप में मैं काम कर रहा था। तो आप लोगों ने देखना कि अभी ये नीचे डाउन को गई है, इधर लोअर आप लोग देख सकते हैं डाउन लोअर जो है वो 54 है, ये 46 है हायर, तो हमारे लोअर ज़्यादा हैं, इसका मतलब मार्केट डाउन जा रही है। यहाँ पर लाइन पे देखें तो लाइन भी नीचे लाल को टच कर चुकी है कि मार्केट डाउन जा रही है। अभी हम रिस्क ले सकते हैं, इस पे लोअर पे लगा सकते हैं। अभी मैं 2 सेकंड पे जाएगा तो मैं 30 सेकंड की लगाऊंगा 2000 की। अभी मैंने 2000 की लगा दी क्योंकि ये अप पे जाने लग गई, गलती कर ली, लेकिन ये मैं इसे भी देखूंगा कि ये डाउन पे जाएगी क्योंकि इसने मेरी जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग देख सकते हैं जो मैंने लगाई थी ये वाली, इसने इसे क्रॉस किया था। जैसे कि मैंने ये इधर लगाई थी, यहाँ पर मार्केट डाउन हुई थी तो यहाँ से नीचे डाउन नहीं हुई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मार्केट डाउन जब हुई तो यहाँ से ऊपर चली गई, ये फिर से नीचे आ गई है क्योंकि यहाँ से दूसरी ये मैं जीत गया। आप लोग देख सकते हैं कि 1,741 रुपये मुझे बचत हो गई। अभी मेरे आप लोग देख सकते हैं कि कितने बन चुके हैं। ये मैंने कैसे जीता मैं आप लोगों को वही समझा रहा हूँ, फिर से आप लोगों को मैं समझा दूँ कि जब मैंने ये मार्केट नीचे को आई या पीछे की आप जो मैं, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई मैंने यहाँ पर, ये मार्केट यहाँ से नीचे आ चुकी थी और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर को गई, नीचे को नहीं आई, यहाँ से नीचे मतलब कि यहाँ से नीचे मार्केट नहीं आई, यहाँ से मार्केट तोड़ नहीं पाई, यहाँ से ऊपर गई। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगाई, लगाते ही तो हम यहाँ पे आते हैं। अभी ये वही लाइन है आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन मैं वहीं पे लगाई थी तो यहाँ से आके उसने मार्केट को तोड़ दिया
वहां पे वो नीचे नहीं आ रही थी, यहाँ पे तोड़ के वो नीचे आ गई, तो इसलिए मैं लोअर पे लगाया ताकि आप लोगों को समझा सकूं। यहाँ पे लोअर पे लगाया, मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट डाउन होनी है, पहले वो वहां से डाउन नहीं हो पा रही थी, यहाँ से मार्केट आई है। यहाँ अभी फिर से देख लें, यहाँ से मार्केट नहीं तोड़ी इसने, ये यहाँ पर क्योंकि मार्केट बजी हुई थी, यहाँ से ये नहीं तोड़ सका, यहाँ से मार्केट ऊपर को चली गई, फिर ऊपर को जाकर फिर नीचे को आई। जब यहाँ तक आई तो यहाँ से अगर इसे फिर से ना तोड़ पाती तो ये ऊपर को जानी थी, तो जैसे ही इसने इसे तोड़ के नीचे को गया तो मुझे पता चल गया कि ये अब मार्केट नीचे जाने वाली है। तो जैसे नीचे आई आप लोग देख सकते हैं, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने एक और ली है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी मार्केट डाउन हुई थी। तो यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ इसे हॉरिजॉन्टल लाइन को, अभी यहाँ पे मार्केट आई नहीं है, मार्केट अभी बहुत ऊपर है। तो आप लोगों को समझाने का मकसद यही है, अभी मार्केट यहाँ पे है। तो गाइस अभी मैं लाइनों को आप लोगों ने देखना है, अगर मार्केट इस लाइन को टच करेगी जो मैंने नीचे लगाई है, आप लोग देख सकते हैं ये वाली, अगर मार्केट यहाँ तक आती टच करती तो मार्केट डाउन हो गई, तो मैं अभी इस पे काम नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर अभी रिस्की काम हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ से मैं न्यू लेता हूँ, जीपी सीपी ओटीसी ये ले लेता हूँ, ये वाली करेंसी आप डिजिटल देख सकते हैं। तो यहाँ से आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट आप कहाँ तक गई थी, यहाँ तक हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाएंगे, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आप मार्केट यहाँ तक गई थी, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन एक लेते हैं, फिर मार्केट यहाँ तक गई ऊपर, एक यहाँ पे लगा देते हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखना, अब ये है कि यहाँ से मार्केट जब नीचे को गई अभी ऊपर को जा रही है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि वो लाइनें जो ऊपर लगाई है मार्केट ऊपर को जा रही है, वो हमने अभी देखना है कि मार्केट वहां पर टच कैसे करती है। ये जो अब मार्केट यहाँ पे जैसे चल रही है ना, ये जब तक ऊपर जाएगी ये रिस्की है काम थोड़ा सा, इसलिए ऐसे काम आप लोगों ने नहीं करने, क्योंकि आप लोगों को लॉस हो सकता है, तो मैं आप लोगों को लॉस कभी भी नहीं होने देता कि ऐसा हो आपके साथ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते, तो जैसा कि हमने यहाँ पे रिस्क लिया था, सॉरी गाइस, हाँ ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ ये लाइन बहुत नीचे है अभी, तो ये जो लाइन मैंने ये वाली लगाई थी ये ऐसे लगाई हुई है, वैसे डिलीट कर देनी चाहिए मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं करनी, लगी रहे, तो मैं यहाँ से न्यू ले रहा हूँ ओटीसी, ये मैं यूएसटी ले लेता हूँ, ये जीपी में अभी देख रहा हूँ कि ये लाइन ऊपर वाली के पास जाता है कि नहीं, ये भी थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम यहाँ पे लगा दें तो हम यहाँ से आइडिया कर सकते हैं कि ये कैसे। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये मेरी लाइन है, तो ये करेंसी यहाँ से ऊपर जा रही है, अगर ऊपर ना जा चुकी ये नीचे आई तो हमें पता चल जाएगा कि ये नीचे कैसे आएगी। तो हम यहाँ से मार्केट को देखेंगे, यहाँ से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने क्यों लगा रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, तो इसके लगाने का मकसद ये है। एक यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर समझाता हूँ क्यों लगा रहा हूँ। यहाँ से मार्केट अप हो रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ऊपर को जा रही मार्केट, तो आप लोग देख सकते हैं एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो आप लोगों ने ये देखा कि मार्केट ऊपर को जा रही, यहाँ से मार्केट तोड़ के नीचे नहीं आई, यहाँ से ऊपर तक ही गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मार्केट नहीं नीचे जा रही, क्यों नहीं जा रही ये चीज़ हमने देखनी है, यहाँ से मार्केट नहीं तोड़ पा रही, यहाँ से जैसे तोड़ेगी तो ये नीचे को जाएगी। तो यहाँ से भी 3 बार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन हम देख सकते हैं, यहाँ से भी नीचे नहीं गई मार्केट, यहाँ से यहाँ से यहाँ से नीचे नहीं गए मार्केट। तो गाइज आप लोगों ने यही चीज़ देखनी है, जैसे कि मैं पहले
ये जो डिजिटल में आपको पहला ये जो ईरो जीपीएस करके दिखाया है कि मार्केट कैसे करनी है। तो ठीक है गाइस, ये पहला था, ये दूसरा था, ये अभी ये कहाँ पे है हम देख सकते हैं, इसकी लाइनें अभी बहुत ऊपर हैं तो हम इस पे रिस्क नहीं ले सकते। वैसे तो रिस्क लेना है तो ले लें, लॉस करना है खुद का कर लें। मैं इसमें ऐसा, आप ये आपका माइंड है आप कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरा मकसद था आपको समझाना कि आपका लॉस ना हो। ये मैं डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अकाउंट अभी बनाया हुआ है। तो यहाँ से डिपॉजिट पे क्लिक करके हम टॉप रियल अकाउंट रियल डिपोज कर सकते हैं पैसे। वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे डिपोज करने हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा पहले ही लंबी हो चुकी है। तो गाइस इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं अभी एक और ट्रेड लेने वाला हूँ यहाँ पे। वो क्यों लेने वाला हूँ मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैंने क्यों लगाई आप लोग, अभी मैं ट्रेड लेके आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने पिछली ट्रेड में बताया था कि ये अभी सेम यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गई, क्योंकि दो बार हो चुकी है मार्केट नीचे नहीं जा रही। यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, नीचे नहीं जा रही। यहाँ से आई, नीचे नहीं जा रही। यहाँ से आई, नीचे नहीं जा रही। यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक आई लेकिन इधर से नीचे नहीं गई। इधर से नीचे नहीं मार्केट जा रही, मतलब कि हाई पे जा रही है, ऊपर को जा रही है। तो जैसे इस लाइन से टच करेगी तब हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो यहाँ से भी हम सोचने वाली बात यह है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई। और सेंट्रल लाइन में आप लोगों को दिखा लगा के दिखा देता हूँ। ये रही, तो मार्केट यहां से भी अप नहीं जा रही, आप लोग देख सकते हैं। ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ, मार्केट पहले गई हुई आप ये यहां तक, तो यहां से मार्केट नहीं टूट के ऊपर जा रही है। इस यहां पे चल रहा है काफी देर से, आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे जैसे ही मार्केट अप हुई तो ये मार्केट यहाँ इससे भी नहीं नीचे गई ना इससे ऊपर गई, यहाँ पे अड़ी हुई है अभी तक। अभी ये लाइन, दोनों लाइनों में से जो लाइन क्रॉस होगी तो मैं इस पे ट्रेड करूंगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज आप लोगों को समझा रहा था कि ये चीज जो है ये मार्केट जो ऊपर नीचे नहीं तोड़ पाता। तो ये जो ब्रेक कर रहा है अभी मैं देखूंगा, यहाँ पे अभी रुक गया, नहीं रुका, ये ब्रेक करता है बार बार, ये ऊपर को गया अभी ब्रेक कर रहा है। ये जैसे रुक जाएगा, ये ऊपर को जाके रुक गया, एक बार रुका फिर ऊपर को चला गया। ये अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसे ये रुकेगा ना काफी सेकंड, जब एक जगह पे रुक जाए ऊपर को जाके जब रुक जाए तो आप लोगों ने समझना है कि यहाँ पे रुक गया। फिर जब ब्रेक ऊपर को करके एक दफा रुक जाए तो समझ लें कि इसने ऊपर ही जाना है। अभी ये ब्रेक करके दो बार नीचे को आ चुका है, तीन बार। जैसे ये ब्रेक कर लेगा तो फिर ब्रेक करके काफी थोड़ी देर सेकंड रुक के फिर से ब्रेक करेगा तो समझ लेना इसने नीचे ही जाना है। यहां से हम अपनी लाइन को देख सकते हैं कि ये लाइन नीचे जा रही है और इस लाइन को क्रॉस करने वाला है, इसने क्रॉस नहीं किया। मार्केट यहीं पे अड़ी हुई है, ये यहां से भी ऊपर नहीं तोड़ सका मार्केट को। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहां से भी नहीं ऊपर गई। तो मेरा वीडियो में आप लोगों को समझाने का मकसद यही है कि अगर यहां से भी ये ऊपर को जाती तो मैंने हायर पे क्लिक कर देना, यहां से मार्केट ये नहीं तोड़ रहा, ये इसी घेरे में है। तो आप लोगों ने रिस्क कभी भी नहीं लेना, ठीक है दोस्तों। अगर रिस्क लेंगे तो आप यहाँ पे, मैं रिस्क कभी भी नहीं ले सकता, आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लाइनें इसलिए लगाई हैं, इनका मकसद यही है कि आप ट्रेड जीत सको। जैसे कि मैंने पहली ट्रेड जीती है, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी वीडियो को 14-15 मिनट हो चुके हैं आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक ट्रेड एक ही ली है। अभी ये नीचे को गया, मैं ट्रेड अभी भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरा जो टाइम है मैं टाइम के लिहाज से फिर से ले रहा हूँ। ये लॉयर पे मैंने ले ली है $1, सॉरी डॉलर मैंने ज़्यादा लेने हैं, चलो कोई बात नहीं। $1 पे आप लोगों को जस्ट सिंपली बताने वाला था क्योंकि ये रिस्क लेना था मैंने। ये क्यों लिया, रिस्क नहीं है गाइस, क्योंकि इसने इस मार्केट को तोड़ दिया है। अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी इसने मार्केट को दिया, ये ट्रेड अभी डाउन ही जाएगी, अगली ट्रेड हाई पे चले ना जाए ये ट्रेड डाउन जाएगी। अगर इस ट्रेड में मेरा टाइम पूरा हो जाता है तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, अभी ये 30 सेकंड इजाफी जो देते हैं ये काम खराब है थोड़ा सा। चलो ये 30 सेकंड देख सकते हैं आप, ये लोअर पे जा रही है, मैंने वो लाइन आप लोगों को दिखाई है, उस लाइन को इसने तोड़ा। जैसे ही तोड़ा ये ट्रेड नीचे को आई, ट्रेड आप लोग देख सकते हैं
ये नीचे को आई, अब ये नीचे को ही रहेगी। नेक्स्ट ईयर ये ऊपर को जा सकती है क्योंकि वो लाइन तोड़ चुकी थी, ये लोअर पे आ चुकी थी। नेक्स्ट का मैं आपको बताया नहीं था, तो ये नीचे वाली लाइन को भी जैसे तोड़ेगी। गाइस गाइस गाइस, यहाँ से इसने तोड़ा था, मैंने लगाई थी लेकिन मैं जीत गया। ये आप लोग 87%, मुझे $1 जो लगाया था मैंने उसके मुझे 87%, 13% वेबसाइट को वालों को मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से डाउन हुआ था गाइस गाइस गाइस, मैंने क्योंकि इसलिए क्या, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डर था वो स्टॉप कर गया, इसलिए मेरी वीडियो जो है वो प्रॉफिट तो मुझे हो गया $1 का, लेकिन वो आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाया। यहाँ से डाउन हुई थी करेंसी, आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट, मैंने लोअर पे क्लिक किया था तो लोअर नीचे यहाँ तक आया, यहाँ से आई हुआ फिर यहाँ से लो गया, आप लोग देख सकते हैं कि मैं तब जीत गया था। मसला बताने का मकसद ये था कि ये लाइनें जो हैं ये जब क्रॉस होती हैं तो आप लोगों को इस लाइनों के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये लाइन मैंने लगाई थी ये वाली, लेकिन इस लाइन का मकसद कोई नहीं है, यहाँ इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। ये लाइन क्रॉस तो कर ली, लेकिन ये लाइन आप लोगों ने ये लाइन देखनी सी ये वाली, ठीक है दोस्तों। यही इसने हायर पे जाना है अभी, क्योंकि ये बराबर नहीं थी, इसने हायर पे जाना है, इसने इसे तोड़ दिया तो ये हायर पे। गाइस ये नीचे भी आप लोगों ने देखना है, ये हरी वाली लाइन आप लोग देखते हैं, ये रेड वाली देख सकते हैं, देख रहे हैं कि ये जब हरी को क्रॉस करके वो फुल ऊपर तक ये जा चुकी थी, अब इसने डाउन होना होना है क्योंकि ये ऊपर इसके साथ ये ऊपर जा चुकी थी, ये अब नीचे आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा अभी डाउन हो चुकी है, यहाँ से वो ऊपर जा रही है फिर से, यहाँ से मार्केट को तोड़ा नहीं इसने। अब ये चीज़ आप लोगों ने फोकस करनी है, अगर यहाँ से इसने तोड़ा ये भी ना तोड़ सकी, ये नीचे को ना आई है ऊपर को जा रही है, अभी आप लोगों ने ये चीज़ फोकस करनी है। आप लोगों को ये बार बार इसी वीडियो में यही समझा रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का यही मकसद है कि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे तरीके से कि यहाँ से मार्केट जब दो बार या तीन बार ना टूटे, तो जब चौथी बार या पंचवीं बार जहाँ से मार्केट नीचे आएगी तो आप लोगों ने लोअर पे लगा देना, या यहाँ से मार्केट आप लोग देखते हैं कि ऊपर नहीं गई, दो बार हो चुका है, अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो मैं हायर पे लगा दूंगा, कितने डॉलर लगाऊंगा ये मेरी मर्जी होगी क्योंकि मैं रिस्की काम नहीं लेता। तो यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो मुझे पता है कि ये मार्केट ऊपर जा रही है, इसने यहाँ से मुझे पैसे देने हैं और देने हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ये नहीं तोड़ पा रही मार्केट, ये नीचे भी ये तीसरी बार लग चुका है कि यहाँ से मार्केट नहीं टूट रही। तो इन दोनों लाइनों के बीच जब मार्केट यहाँ से क्रॉस करेगी तो हाई पे लगाएंगे, यहाँ से क्रॉस करेगी लोअर पे लगाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट इसने तोड़ी नहीं अभी तक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कहाँ पे चलेगी, ये मैं इसे आप लोगों को समझ आ जाए सही तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ऊपर लगा देता हूँ, आप लोगों को सही से समझ लगे। तो गाइस ये लाइनों को फोकस करें, आप लोगों ने करना है, अब जिन लोगों को समझ नहीं आ रही है आप लोग देख सकते हैं दो बार मार्केट यहाँ से ऊपर गई फिर यहाँ से ऊपर गई, इस लाइन को नहीं है तोड़ पाई, जो हॉरिजॉन्टल लाइन अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये लगाने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए, वैसे मतलब ना भी लगाया तो समझ आ जाती है। तो ये लाइन अभी आप लोगों ने देखा ये दो बार मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा पा रही, तो ये तीसरी बार भी नीचे नहीं जा पा रही, वो नीचे जाके ऊपर आ जाती है, क्यों आ रही है आप लोग देख सकते हैं। जैसे इसने इसे तोड़ना है नहीं तोड़ पाई, आप लोग देख सकते हैं तोड़ लिया कि नहीं तोड़ लिया, मैं आप लोगों को सिंपली दिखाता हूँ। गाइस इसने इसे मेरे ख्याल से तोड़ दिया है, अब ये डाउन जाएगी मेरा अंदाजा कह रहा है, क्योंकि ये इसने तोड़ दिया है, ये बराबर नहीं है, ये नीचे को जा रहा है मेरे अंदाजे से। मैं इसे लोअर पे लगा कर देखता हूँ, $3,000 मैंने लगा दिए क्योंकि इसने इसे तोड़ा है, ये देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पे है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को वहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को इसने क्रॉस किया है, तो ये डाउन पे जाएगी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। गाइस अभी तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, जैसा कि मैं इस पूरी वीडियो में आप लोगों को जो समझा रहा हूँ वो आप लोगों को शायद अब समझ आ गई होगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये दो बार करेंसी नीचे नहीं आ रही, तीसरी बार उसने इस लाइन को तोड़ कर ये नीचे आई है। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मुझे $3,000 का प्रॉफिट हो चुका है, रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट आप फिर से देख सकते हैं 87%, $2,612 सेंट मुझे मिल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये मिल चुके हैं।
यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ पिछले 15 मिनट से। अब आपको ये चीज समझ आ चुकी है मुझे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी ऑप्शन की, कैसे डिपॉजिट करते हैं पैसे, कैसे ये सारे ऑप्शन मैं आप लोगों को सारे कोर्सेज बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, मिलते हैं तीसरे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।